नैनर टीवी चैनल के सारे दर्शकों संतोष सिंह पन्नू वालों सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ लोक आवाज़। ये दर्शकों कई बार जोड़े साढ़े गुआढ़ों देश चो भी बड़िया चंगी खबर आदियां ने, पंजाब भावें भारत वाला हो भावें पाकिस्तान वाला होव लड़ा पंजाब उन्हों दियाँ बड़िया पीढ़िया ने, क्योंकि 15 अगस्त 1947 तो पहला इकट्ठे रेंदे सी एक ही देश सी। जदों अंग्रेज गए तो देश के दो टुटे करके वंड गए, पाव पंजाब नूं वंड गए, लहिंदा ते चढ़दा पंजाब बन गया। पंजाब दे विच पंजाबी दा लागू होना जरूरी आ। जिस तरह इस पंजाब दे विच वी आपां जिहड़े चढ़दे पंजाब दे विच रहिंदे आ ते लहिंदे पंजाब दे विच वी पंजाबी रहिंदे ने, वक्री गल आ कि उहनां दी जिहड़ी लिखण दी भाशा वा उर्दू, तो ज़्यादा उर्दू के उन्हों का दफ्तरी कामकाज भी उर्दू के पहला कदे इधर भी उर्दू पढ़ाया जाता सी, भाव जो साझा देश सीगा। तो हुण जो पंजाबी की गल चलती है इधर भी पंजाबी दे वास्ते हजे संघर्ष चल रहा वा, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े काम ने पंजाबी दे विच नहीं हुंदे। तो नवाज शरीफ दे परिवार दे विचों मरियम नवाज पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री बनी आ, भाव लहिंदे पंजाब की मुख्यमंत्री बनी आ। तो पिछले दिनों दे विच बड़ा उन्होंने एक अहम ऐलान किया वा कि पंजाबी नूं जिहड़ा वा लहिंदे पंजाब दे विच पढ़ाया जाऊगा। हुण तां वैसे जे आपां चढ़दे पंजाब की गल करिए तो पंजाबी दा इत्थे भी हालात एदे वधिया नहीं, क्योंकि अंग्रेजी स्कूलों के जिहड़ी पंजाबी उस ढंग दे नाल नहीं पढ़ाई जाती हैगी जिस ढंग दे नाल पढ़ाउणी चाहीदी आ। तो फिर दूसरी गल आ कि सरकारी दफ्तरां दे विच वी जिहड़ा कामकाज आ उह पूरी तरह पंजाबी दे विच जिहड़ा नहीं हजे भी हुंदा, हजे भी जिहड़ियां साडियां सभावां ने जिहड़े सरहद लोक ने उह मंग करदे ने कि दफ्तरी जिहड़ी भाशा वा उस नूं उहदे विच वी पंजाबी लागू कीती जावे, अदालतां दे विच वी पंजाबी लागू कीती जावे। बहुत सारे जिहड़े केस ने आपां नूं कई वारां वकीलां ते निर्भर होणा पैंदा, क्योंकि अंग्रेजी दे विच बयान जिहड़े दर्ज कीते जांदे ने ते जे उह पंजाबी दे विच होण ते आपां वधिया ढंग दे नाल जिहड़ा दस सकदे आ, आपां अपना केस आप भी लड़ सकते हैं जे अदालतों की भाषा भी पंजाबी हो। पिछले समय के जो 550 साल मनाया गया साहब श्री गुरु नानक देव जी का, इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, उन्होंने जोड़ा करतारपुर वाला लांघा खोल दिता है, ये भी दोहांजा की जी सगे ना होर भी पीड़ी हुई। आप मीडिया के रोज़ पढ़ते हाँ सुनते हाँ कि कई कई साल बाद जोड़े आ परिवार जोड़े ने वो मिल रहे हैं, तो इन्हों एक मिलन जी जगह वा करतारपुर साहब मिल गई है। इस तरह ही जो उन्होंने ऐलान किया इधरले पंजाब दे विच भी चढ़दे पंजाब दे विच भी खुशी मनाई गई है। तो इस तरह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने भी इसका स्वागत किया वा, भावें हुण पंजाबी जी सत समुद्रों पार कनेडा होर देशों के भी वड्डी गिनती दे विच बोली जाती है। दस्या जाता कि कनेडा दे विच तां कई गलियां दे महल्लियां दे ते एयरपोर्ट दे बोर्ड भी जिहड़े ओह पंजाबी दे विच लग्गे, क्योंकि वड्डी गिनती दे विच पंजाबी रहिंदे आ ते उत्थे सियासत दे विच भी पंजाबियां दा बोलबाला। ते इस तरह पाकिस्तान दे विच भी सियासत दे विच भी पंजाबियां दा काफ़ी बोलबाला है। ते जे गल मरियम नवाज दी करिए ते इहनां दा जिहड़ा पिता पुरखी पिंड आ उह तरन तारण जिले दे विच पैंदा वा, ते तरन तारण जिले दे विच पिंड दे विच जदों भी उहनां दे परिवार ते कोई भीड़ बणदी आ तां उत्थे जरूर गुरद्वारा साहब दे विच जिहड़े खंड पाठ कराए जाते हैं। मेरा भाव है जाति उमरा तरन तारण जिले का पिंड आ जिते नवाज शरीफ परिवार के जिहड़े सीगे बजुर्ग रहा करते सीगे, ते 47 दी वंड वेले ही पाकिस्तान चले गए ने। ते नवाज शरीफ परिवार का पंजाब की सियासत दे विच उतों दी भारत की पाकिस्तान की सियासत दे विच बड़ा अहम रोल आ, क्योंकि जिहड़ियां सांझां ने कई परिवारों के अद्धे जी उधर रह गए तो अद्धे इधर आ गए, तो बहुत सारे अजिहे परिवार भी ने जिहड़े एक दूजे नूं मिलना चाहुंदे आ। पर वक्री गल आ कि सरकारां हजे उस ढंग दे नाल जिहड़े वीजे नहीं दे रहीआं जिहड़ी ए पंजाबी दी सांझ आ, क्योंकि उह भी लोक पंजाबी बोलदे ने लहिंदे पंजाब वाले भी। तो पिछले दिनों दे विच बहुत वड्डी कॉन्फ्रेंस भी लाहौर दे विच हो के हटी आ, तो उत्थे भी मरियम मुख्यमंत्री साहब नूं बहुत सारे लेखकों ने मान सम्मान भी दिता, तो उन्होंने ऐलान जिहड़ा किया वा ये जिहड़ी खुशी की खबर आ इस पंजाब दे विच भी
ਐਸ਼ਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊ। ਉੱਧਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੀ ਟੀ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।